सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग मोनोसाइट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी कम या ज़्यादा वैल्यू शरीर में क्या इंडिकेट करती है, इनका शरीर में काम क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर इनकी वैल्यू शरीर में कम या ज़्यादा आती है तो इनके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इनका ट्रीटमेंट, इनका इलाज क्या होता है, ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन टू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको मोनोसाइट सेल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आपको मोनोसाइट को जानने में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो गाइस, मोनोसाइट हमारे WBC सेल्स का ही एक कंपोनेंट होता है। मतलब कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जो हमें बीमार कर सकता है, जब वो हमारे शरीर में एंटर होता है, तब हमें WBC सेल्स उन खतरनाक ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, उनसे ये लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। तो गाइस, जो WBC सेल हैं ये 5 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इसिनोफिल्स। तो गाइस, जो मोनोसाइट है ये WBC सेल्स का ही एक कंपोनेंट है और ये सबसे बड़ा सेल होता है, और इनका शरीर में फंक्शन क्या होता है अब ये बात कर लेते हैं। तो गाइस, पहला कि ये इन्फेक्शन से बचाते हैं, दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल हैं दूसरे टाइप के, अगर कोई भी इन्फेक्शन उनसे कंट्रोल में नहीं आता तो मोनोसाइट उन सेल्स की हेल्प करती है। तीसरा, अगर हमारे शरीर में कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या फिर कोई टिश्यू डेड हो जाता है तो ये उनको रिमूव करती है, उनको हटाती है, और जो हमारे शरीर में कैंसर सेल होते हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको ख़त्म करती है और उनको शरीर से हटाती है। साथ ही गाइस, जो मोनोसाइट है इसे फैगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। अब फैगोसाइटिक सेल को समझने के लिए गाइस, आपको थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो गाइस, जो फैगोसाइटिक सेल हैं ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान शरीर में जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो गाइस, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे सीडोपोडिया कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो मोनोसाइट सेल है उसका आप ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है मोनोसाइट का, लेकिन इसमें जो सीडोपोडिया प्रोसेस है इसमें जो मोनोसाइट है ये अपना स्ट्रक्चर को बदल लेती है। जैसा कि सीडोपोडिया से ही पता लग रहा है, सीडो का मतलब है फाल्स, नकली, और पोडिया का मतलब है आर्म और लेग, मतलब कि हाथ और पैर। तो जब भी कोई हमारे शरीर में फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है वायरस बैक्टीरिया के रूप में, तो जो मोनोसाइट है वहाँ पर जाती है, उस पार्ट का निरीक्षण करती है। अगर वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेती है। इसी प्रोसेस को सूडोपोडिया कहते हैं। इसमें अपना स्ट्रक्चर ये चेंज करती है, और जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए ऐसे हो जाता है, आप देख सकते हैं, और ये फिर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको निगल लेती है, मतलब कि इनगल्फ कर लेती है। निगलने के बाद गाइस ये कुछ विशेष तरह के एंजाइम को सीक्रेट करती है, जिससे वो बैक्टीरिया या फिर कैंसर सेल या टिश्यू वो डेड हो जाता है और वो अब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि मोनोसाइट उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो गाइज, अब बात करते हैं कि मोनोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, मतलब कि ये कहाँ बनती हैं। तो गाइज, दूसरे ब्लड सेल की तरह ही मोनोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो के अंदर ही होता है, और जो ब्लड सेल हैं वो हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के दौरान बनते हैं, लेकिन जो मोनोसाइट बनने की प्रोसेस है गाइज, इसे
माइलोपोइसिस प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस से मोनोसाइट का निर्माण होता है। मोनोसाइट जब बनती है गाइस तो ये बनने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाती है, वहां पर कुछ समय रहने के बाद गाइस ये टिश्यूज में चली जाती है, मतलब कि स्प्लीन में, लीवर में और जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहां पर ये चली जाती है और वहां पर गाइस ये मैक्रोफेजिस और डेंड्रिटिक सेल्स में बदल जाती है। तो गाइस ये तो था इसके प्रोडक्शन की बात, अब बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू की। तो गाइस सामान्यतः किसी भी व्यक्ति में जो मोनोसाइट है इसकी नॉर्मल वैल्यू 2% से 10% के बीच में होती है। और गाइस सीबीसी की रिपोर्ट में मोनोसाइट की वैल्यू आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसको समझने के लिए गाइस आप मेरी सीबीसी के ऊपर एक वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सीबीसी बाय पासीचैम तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो उस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो सामान्यतः जो मोनोसाइट की संख्या है वो 2% से 10% के बीच में होती है। मतलब जो गाइज सीबीसी का टेस्ट होता है उसमें जो टीएलसी और डीएलसी होती है ना, उसमें 1 ml ब्लड लिया जाता है। 1 ml के अंदर जो डीएलसी है, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, उसमें 100 सेल लिए जाते हैं। उन 100 सेल्स के अंदर जितनी संख्या मोनोसाइट की होगी वो प्रतिशत के रूप में बताई जाती है। मतलब कि 100 सेल के अंदर मोनोसाइट अगर 2 से 10 के बीच में होते हैं तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है, लेकिन अगर 2 से कम होते हैं तो इसे मोनोसाइटोपिनिया और अगर 10 से ज़्यादा होते हैं तो इसे मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोनोसाइटोपिनिया और मोनोसाइटोसिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो गाइज मोनोसाइटोसिस का मतलब है कि जो मोनोसाइट हैं उनकी संख्या सामान्य से ज़्यादा हो गई है और ये शरीर में इन्फ्लामेशन की कंडीशन में या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में होती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है या फिर कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है, तब आपको मोनोसाइट अधिक मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। और क्रोनिक इन्फेक्शन से मतलब है मेरा कि अगर किसी व्यक्ति को सीवियर नमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है या फिर सिफिलाइसिस है या फिर एंडोकार्डाइटिस की बीमारी है, तब आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। साथ ही गाइस मोनोसाइटोसिस आपको ऑटोइम्यून डिजीज में देखने को मिल सकता है, जैसे लूपस, रेमाटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़। साथ ही गाइस आपको मोनोसाइटोसिस लुकीमिया की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। और जो लुकीमिया है गाइस ये एक तरह का ब्लड कैंसर आप कह सकते हैं, जिसमें बोन मैरो अधिक मात्रा में वाइट ब्लड सेल, WBC सेल और प्लेटलेट्स को बनाती है। और जो लुकीमिया है इसके आगे टाइप हैं जैसे माइलोमोनोसाइटिक लुकीमिया या फिर जुवेलाइन माइलोमोनोसाइटिक लुकीमिया। साथ ही गाइज ऐसा नहीं है कि आपको डिजीज होने के कारण ही आपको मोनोसाइट ज़्यादा रेंज में दिखें, ये काफ़ी बारी अगर आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है तब भी आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, या फिर स्ट्रेस के समय जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तब भी आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, या फिर जो लोग डिप्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब भी आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। तो गाइस इन कंडीशंस के कारण मोनोसाइटोसिस आपको देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं मोनोसाइटोपिनिया के बारे में कि ये किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज मोनोसाइटोपिनिया खास तौर पर सीवियर इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है, जब न्यूट्रोपेनिया और लिम्फोसाइटोपिनिया की कंडीशन होती है और लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स घट जाते हैं, उनकी संख्या सामान्य से कम हो जाती है, तो साथ ही मोनोसाइट की भी संख्या कम हो जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने केमोथेरेपी ली है या फिर रेडिएशन थेरेपी ली है तब भी गाइज मोनोसाइट के सेल्स कम हो जाते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है तब भी गाइज मोनोसाइट के सेल्स सामान्य से कम हो जाते हैं।
और गाइज अगर किसी व्यक्ति ने कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ली है तब भी गाइज मोनोसाइट सामान्य से कम हो जाते हैं। तो गाइज ये तो थे इनके टाइप मोनोसाइटोसिस और मोनोसाइटोपिनिया के बारे में। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो गाइज इनका जो ट्रीटमेंट है ये साइनो सिम्टम्स पर डिपेंड करता है और आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है, और इसका पता करने के लिए गाइज जो डॉक्टर हैं आपको बोन मैरो बायोप्सी करवा सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा और उसकी डिटेल जानने के लिए बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है मोनोसाइटोसिस का, ये इनके साइनो सिम्टम्स पर डिपेंड करता है, या फिर आपको जिस कारण से इन्फेक्शन हुआ है और उन कारणों के कारण आपको मोनोसाइटोसिस हुआ है उन बेसिस पर आपको मेडिकेशन शुरू की जाती है। तो गाइस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोनोसाइट स्पेशली तब ट्रिगर होते हैं, इनकी संख्या तब बढ़ती है जब आपको लंबे समय से क्रोनिक इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होती है। साथ ही इनकी संख्या तब कम होती है जब कोई व्यक्ति सामान्य स्ट्रेस में होता है या फिर डिप्रेशन में होता है, या फिर उसका जो वजन है वो सामान्य से ज़्यादा होता है, या फिर उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर व्यक्ति ने केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी या फिर व्यक्ति कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन को ले रहा है तब भी उसको मोनोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।